ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के द्वारा सभी ई रिक्शा में कोडिंग कराई जा रही है, जिसको लेकर ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर सैकड़ों टोटो चालक मनाली चौक पर प्रदर्शन करते दिखे। टोटो चालक का कहना है कि जिस रूट का हमें कोडिंग दिया गया उस रूट में यात्री कम मिलते हैं, जिससे कि हमारी रोजी रोटी पर भी आफत हो गई है। हम लोग मांग करते हैं कि कोडिंग नियम को बंद करें और इसके साथ ही जो बाहर से ई रिक्शा लेकर भागलपुर में यात्री को चढ़ाते हैं उसको जिला प्रशासन बंद कराए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे। सुविधा चाहिए, हम लोग अध्यक्ष से नाराज नहीं है। अध्यक्ष जी पूरे सबको देख के डिसीजन ले, हम लोग अध्यक्ष के साथ हैं। कोडिंग सिस्टम इज वेरी बैड फॉर टोटो, चूंकि सभी लोग कोडिंग करा नहीं पाएंगे। कोडिंग सिस्टम से हम लोग, मान लीजिए आप कोडिंग दे दिए तिलका मांझी से स्टेशन, सवारी मिलेगी हमको मिर्जान का, तो मैं क्या करूंगा, रिजर्व कैसे जाऊंगा। सभी आदमी शहर के हैं, बाहर के गाड़ी शहर को ज्यादा अवरुद्ध करता है। बाहर की गाड़ी बंद होगी, शहर वाले को सवारी भी मिलेगी, प्रशासन को डिसिप्लिन भी हम लोग मेंटेन करेंगे। और सभी टोटो वाले को मैं बताता हूँ कि जो प्रशासन जो नियम दिया है वो 70 मीटर के बाहर हम लोग रहेंगे, क्योंकि प्रशासन से हम लोग मांगेंगे तो हम लोग प्रशासन का मानेंगे भी। अब पूरा कोडिंग से हम लोग 1% आदमी खुश नहीं है। अभी आप बोले कि अध्यक्ष आपके साथ है, तो अध्यक्ष जी साथ है, अभी आप अध्यक्ष जी करवा रहे हैं तो उनके भी सोच के, लेकिन सारे से पूछिए कि अगर भी खुश है तो हम लोग अध्यक्ष के साथ है। अध्यक्ष एक है, टोटो वाला अनेक है। हम चाहते हैं कि कोडिंग हो, सॉरी कोडिंग नहीं हो, बाहर की गाड़ी नहीं आए, और ट्रैफिक डीएसपी साहब जो हम लोगों को शहर में नियम दिए हैं उसका मैं हर हमेशा पालन करूंगा, चाहे 100 रुपया कम क्यों ना हो। पा रहे हैं 3 दिन से कमा रहे हैं 100-150 रुपये, घर लेके जा रहे हैं, भाड़े की गाड़ी चलाते हैं। दूसरी बात की 2-3 तरीके लोन चला रहे हैं, लोन नहीं चुकता पा रहे हैं तो कैसे होगा, क्या परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है, कमाई नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि जैसे चला रहे तो उसे चलाएंगे तो उसे कमाई हो जाता था। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा स्थित नादा बहियार में एक अधेड़ की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अधेड़ अपनी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल सुल्तानगंज की कसमाबाद गए हुए थे, जिसका बहियार में रविवार को संदिग्ध स्थिति में लाश मिला है। मृतक के शरीर में पीठ समेत कई अंगों में जख्म के निशान है। आशंका जताई जा रही है कि उसको पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है और सबको खेत में फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने परिजनों को दी। जानकारी मिलने पर ससुराल वाले सब पहुंचे और सबकी पहचान की गई। मरने वाले की पहचान घोगा थाना क्षेत्र की पन्नू चक निवासी ब्रह्मदेव मंडल के 35 वर्षीय पुत्र मंगल मंडल के रूप में की गई है। मृतक अपनी पत्नी की विदाई के लिए 1 महीना पहले ससुराल गया हुआ था। ससुराल वाले पत्नी की विदाई नहीं दे रहे थे, उसके साथ मारपीट किया जा रहा था। 1 महीने तक इसी तरह बाजार से खाना खाकर गुजर बसर किया। ससुराल सिर्फ सोने के लिए जाता था। बताया जा रहा है कि पत्नी मायके से ससुराल नहीं जाना चाहती थी। पति बार बार विदाई का दबाव बना रहा था। वहीं मृतक के भाई ने ससुराल बालों पर हत्या का आरोप लगाया है। जगह रह जाए दिन का गलिए 8:30 रात का ये लिए बुल्ले कसमाबाद से तिलकपुर लगा। अरे ये यहाँ घर अब खाते हुए कि मैं सोते लिए मैं नहीं जो नहीं रही है इसमें बात है। अच्छा तो लाश कहाँ पर मिल रहा हूँ पति के? लाश मिले घसाए थी मैं लादाब बिहारी में। लादाब बिहार कितना घर? कितना दूर छो? घर 10 मिनट रास्ता से। क्या दुश्मनी, कौन मारा, किससे दुश्मनी था? दुश्मनी था उसका भाई से, भाई मारा उसका। क्या नाम था भाई का? विजय कुमार, विजय मंडल। कहाँ इसके साथ मारपीट हुआ? घर पे था। ससुराल में? ससुराल में। सास ससुर सब थे वहाँ? सास है, ससुर में है। मारने का क्या है कारण? मारने का उसका परिवार नहीं जाता था, ले जाने के लिए आता था यहाँ बार बार, 1 महीना से दर्द कर रहा था, इधर उधर कमाता, इधर उधर खाती कर जाता था, गाँव में होटल फोटल में खा लेता था। विदा क्यों नहीं करता था? तो उसमें कारण उसी का दोनों मान्य होगा कोई कारण।
मौसम की बेरुखी से भागलपुर जिले के किसान इस बार परेशान हैं। जी हां, बात कर रहे हैं भागलपुर के आम किसानों का। इस बार आम की पैदावार बढ़िया नहीं होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सही समय पर बारिश नहीं हो पाई है। भागलपुर जिले में आम के फसलों को काफी नुकसान होता दिख रहा है। यहां किसान मौसम की बेरुखी से परेशान नजर दिखते हैं, क्योंकि इस बार आम का पैदावार काफी अच्छा नहीं होता दिख रहा है। भागलपुर जिले की यदि बात करें तो यहां किसान कर्ज लेकर अपने बगीचे में जनवरी माह से ही तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि आम के फसल से पहले मंजर का उत्पादन होता है, उसके बाद फिर आम का फसल होता है। लेकिन इस बार आम के फसल में काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यहाँ किसानों का साफ तौर पर कहना है, कर्ज लेकर हम लोग बगीचा की तैयारी करते हैं, क्योंकि यदि सही समय पर सही तरह से तैयारी हो तो कुछ हम लोगों का जीवन यापन भी सही तरह से पूरे साल हो जाता है। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के बंसी टीकर बगीचे में इस बार आम का फसल काफी कम हुआ है, जिस वजह से यहाँ किसान दीपक पासवान का कहना है कि हम लोग कर्ज लेकर आम की फसल को तैयार करते हैं, लेकिन इस बार आम का फसल काफी कम है। अब तो हम लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं जमीन बेचकर ही अपने महाजन को सूद समेत पैसा लौटाना होगा। परेशानी इस कारण से हो रहा है कि मौसम के कारण से आम का फसल नुकसान में जा रहा है, और थोड़ा हम सूद पर टका उठा करके ये बिजनेस करते हैं, और हमको लग रहा है कि घर से घटा सह करके महाजन लोग तो नहीं बगीचा वाला छोड़ेंगे, लेकिन हमको घर से टोटल खर्चा। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी आम के कारण से मौसम छोटा दाना है इस कारण से, और नमी कम रहने के कारण से फसल कम आया हुआ है। हम लोग जनवरी से इस चीज में लगे हुए रहते हैं, फिर मार्च तक के अंदर में इसको बढ़ा करके सोचते हैं कि मार्च तक में बम्बई निकाल करके बेचें, थोड़ा दो पैसा आए। तो अभी इस बार घाटा लगने का पूरा चांस है सर। महाजन कैसे पैसा दीजिएगा? महाजन को अब तो घर से ही देना होगा, वो तो छोड़ेंगे नहीं, क्या है कि सरासरी मौसम के कारण से और आम के फसल के कारण से नुकसान घर से जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस कहानी के संघर्ष को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सचमुच मिसाल है यह न्यूज़पेपर बेचने वाला भागलपुर का प्रोफेसर। सच ही कहा गया है, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। सच्ची लगन, निष्ठा और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ऐसा है कुछ मिसाल कायम किया है भागलपुर के नाथनगर के रहने वाले न्यूज़पेपर बेचने वाले के नाम से जाने जाने वाला राकेश। राकेश ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परिवार बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ उनके पिताजी थे। इस कारण घर में काफी परेशानियों का
सामना करना पड़ता था, तभी से वो न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया और अपनी लगन व निष्ठा से प्रोफेसर बने। वही वर्तमान में सुल्तानगंज में एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। बावजूद इसके वो घर घर घूम कर न्यूज पेपर बेचते हैं। राकेश का कहना है कि जिस व्यवसाय से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हुआ, उस व्यवसाय से मैं पढ़ लिखकर प्रोफेसर बना, उस व्यवसाय को मैं नहीं छोड़ सकता। अब राकेश का सपना अपने छोटे भाई को बड़ा अधिकारी बनाना। राकेश ने बताया, मैं घर घर न्यूज पेपर बेचा करता था, तभी मुझे एक प्रोफेसर मिले, उन्हें पढ़ाई करने की सलाह दी और मैं न्यूज पेपर बेच कर ही PhD कर लिया। उसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं अभी वर्तमान में अखबार वितरण क्षेत्र से 20-22 साल से 21 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और AK गोपालन डिग्री कॉलेज सुल्तानगंज में एक प्रोफेसर के तौर पे हिंदी विभाग में वहाँ में कार्यरत। पता चला कि वहाँ जरूरत है हिंदी फैकल्टी में, तो मैं जाके मिला, फिर वहाँ अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ। 2020 में मेरी वहाँ नियुक्ति हुई। उसके बाद से मैं वहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन अखबार से तो जुड़ा मैं 22 साल से हूँ लगभग। पेपर बेचना है कि जो व्यवसाय हमको समाज में सम्मान और आगे बढ़ाए, और इसी अखबार के व्यवसाय से हम आज 22 साल से अपना जीवन यापन करते हुए, घर की सभी समस्या को हल करते हुए आगे बढ़े हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसको लगता है ना कि हम इसको नहीं छोड़ें और इससे जुड़े रहें। सुबह सुबह लोगों की सेवा भी सेवा भाव से भी हो जाता है और अर्न आमदनी भी हो जाती है। मुझे अच्छा लगे, वे पेपर से जुड़े हैं, वो पेपर नहीं छोड़ेंगे, व्यवसाय से आगे बढ़े इसलिए नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इसी में हम लोगों का रोजी रोजगार चलता है। हमसे भी जितना हो सकता है हम भी करते हैं। आपको अच्छा लगता है ये काम? हाँ, अच्छा लगता है। पता नहीं ये किस स्तर के लोग सोचते हैं कि काम छोटा नीचा होता है। मुझे नहीं लगता है कि काम, अगर प्रोफेसर हैं या फिर किसी भी पद पर हैं तो वो नहीं कर सकते हैं कोई भी काम। जहाँ तक मुझसे हो पाता है से होता है और भैया ज्यादातर मेरा ही सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र सिंधिया मकनपुर निवासी श्वेत कमल को जान मारने की नीयत से धारदार हथियार, लोहा के रॉड एवं ईंट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक का गोपालपुर PHC में इलाज किया गया। इस संबंध में घायल श्वेत कमल द्वारा गोपालपुर थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में उसने बताया कि शनिवार की दोपहर में राजा कुमार पिता संतोष कुमार चौधरी, प्रद्युमन चौधरी पिता महेश्वर चौधरी, धनराज कुमार चौधरी पिता महेश्वरी चौधरी, संजय कुमार उर्फ संतोष चौधरी पिता महेश्वरी चौधरी, अर्चना चौधरी पति धनराज चौधरी, रेखा देवी पति संतोष कुमार चौधरी, अनिता देवी पति प्रद्युमन चौधरी एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर कुर्सी से मुझे गिराकर जमीन पर लिटाकर जान मारने की नियत से मुझे धारदार हथियार, लोहे के रॉड व ईंट से वार कर घायल कर दिया, जिसमें मेरे सर पर चोट लगी और मेरा सर फट गया। मेरे सर से खून बहने लगा एवं शरीर के सभी हिस्सों में मारपीट कर मुझे घायल कर दिया गया। वही इस मामले में गोपालपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि आवेदक के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज दोपहर 2:10 पर राजा कुमार का नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और मेरे दुकान पर हम बैठे हुए थे, वहां पर हमला किया। लाठी डंडे मेरे कुर्सी पर से गिराकर लाठी रद्द और धारदार हथियार से वार किया, जिससे मेरे सर में चोट लग गई है और उसके बाद मैं अस्पताल में जाके इलाज करा के थाना में FIR करवाया हूँ। कहाँ के ये लोग हैं और किस तरह के लोग हैं जिनके साथ यह सिंघिया मकनपुर का ही बासिंदा है। यह हर जमीन को अपना जमीन बताता है और रंगदारी के तौर पर मनमाना। इससे पहले भी एक वारदात हुई थी जिसमें इन्होंने हमको मेरी गाड़ी को जलाने का धमकी दिया था, मेरे गाड़ी का चाबी छीन के चले गया था, जिसकी सूचना पूर्व में भी मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को दिया है और उसके बाद इस तरह का घटना जो अप्रिय है घटा मेरे साथ। आज तो वह जान से मारने की नियत से यहाँ पर आया था और उसी तरह का वह आक्रामक। कितने लोग थे जो आपके साथ? लगभग राजा कुमार का पूरा परिवार, जिसमें उनका पिताजी संजय चौधरी, धनंजय चौधरी, प्रद्युमन चौधरी, उनकी पत्नी में ये अनिता कुमारी, अनिता देवी, रेखा देवी और अर्चना देवी। क्यों ये लोग मारपीट किए कुछ बताएंगे? यह अपने मेरे कार्यस्थल पर, जो कि मेरा जमीन है,
मैं वहां पर कार्य करवा रहा था, इससे पूर्व में भी यह तरह तरह के आरोप लगा कि मेरा जमीन है, ये है, वो है, इस तरह की घटना का अंजाम देते रहा और दबाव बनाकर हमेशा हमें हानि पहुंचाने का बार बार कोशिश करते रहा और यही घटना आज बढ़कर यहां तक आई। दबाव उनका मौखिक रूप से नहीं बन पाता था, कोई भी सूचना मिलता था तो हम थाना अध्यक्ष को जाके बताते थे, लिखित में भी आवेदन दिए। मकनपुर चौक पर तो 112 की गाड़ी रहती है और भी गश्ती के लोग रहते हैं। कई एक बार उन लोगों को भी सूचित किया गया है और उन्होंने समय पर आकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसकी सूचना पूर्व में हमारे मतलब जो हेल्पलाइन 112 वाला है उस पर उपस्थित है, उन लोगों को भी गाड़ी गलौज किया गया था पूर्व में। उन लोगों ने बचाव नहीं किया आपका? आज के दिन वो उपस्थित नहीं थी। यह घटना मात्र 2 से 3 मिनट का है, अचानक में हुआ। मैं कुर्सी पे बैठा था, अचानक वो लोग आया, गाली गलौज के साथ मारपीट करना चालू किया, धारदार हथियार से वार किया, जिसके कारण मैं कुर्सी से गिर गया और उसके बाद कुर्सी छोड़ गया। आपने आवेदन दिया है कहां से? आपने गोपालपुर थाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किलकारी बिहार बाल भवन कंपनी बाग और बरारी शाखा में परंपरागत तरीके से मातृ दिवस मनाया गया। सभी बच्चों ने अपने अपनी माताश्री का शरणामृत ग्रहण किया, गीत गाकर अपनी भावनाओं को माता के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही तमाम माताओं ने अपने बच्चों को दिल से आशीर्वाद दिया। इस तरह के कार्यक्रम से देश व प्रदेश के तमाम बच्चों और उसके माता पिता को एक नए अध्याय की प्रेरणा मिल सकती है। माताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम हमारे कंपनी बाग किलकारी के परिसर और बरारी किलकारी के परिसर दोनों जगह आयोजित है। इन दोनों जगह में हमारी माताओं को अपने बच्चे कार्ड देकर सम्मान के साथ बुलाए हैं और आज उनके लिए कुछ वो लोग तैयारी किए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी माताओं के लिए। उनके मन में जो भाव है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किए हैं, जिसका कि वो लोग एक वीडियो भी बनाए हैं कि कैसे वो अपनी माँ को देखते हैं, कैसे उनके त्याग, उनकी मेहनत, उनके कर्म और उनकी जो बच्चों के प्रति निष्ठा है उसको वो कैसे समझ रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा द्वारा शाखा अध्यक्ष रजित बजाज की अध्यक्षता में मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर राधारानी सिन्हा रोड स्थित भागलपुर की सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपालिका के क्लिनिक में माताओं एवं बहनों के लिए निशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में कुल 57 महिलाओं एवं बच्चों ने लाभ उठाया। संदीप सराफ एवं गौरव जैन के संयोजन में सफल कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। संयोजक संदीप सराफ ने बताया कि आज शाखा द्वारा सभी माताओं का सम्मान एक गुलाब फूल देकर किया गया। संयोजक गौरव जैन ने बताया कि माँ का कोई दिन नहीं होता बल्कि हर दिन माँ का होता है। डॉक्टर आशीष गोपालिका ने मारवाड़ी युवा मंच द्वारा लगाए गए इस जांच शिविर के लिए मंच एवं सभी सदस्यों की काफी सराहना की। कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर आशीष गोपालिका को अंगवस्त्र मोमेंटो व गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मंच सलाहकार समिति सदस्य आलोक बजाज मोन्टी, प्रांतीय उपाध्यक्ष रवि सर्राफ, निवर्तमान अध्यक्ष अनिल कड़ेल, सचिव युवा आयुष केजरीवाल, उपाध्यक्ष मनीष बड़बड़िया, उपाध्यक्ष रोशन सिंघानिया, अंजुल सिंघानिया, रितेश धर्मानी, नवल मंगोल लिवाल, संजय शर्मा मुनकी, मनोज चुड़ीवाल, दिनेश महेश का, ब्रजेश अग्रवाल, दीपक हरकिशन का, मनीष टोकनिया, पवन काली, राजेश तुलसियान, सुमित सरैया, सुमित रुंगटा, सुमित तोदी एवं अन्य सदस्य मौजूद थे।